आज सदर मोहतरम नकुद मिलत अलहाज बारिश रसूलुद्दीन ने पूछा फिजाइत के पर मैं तकरीबन रात के 10:30 हो रहे हैं हल्के असम्बली खुशा महल के बेगम बाजार में मैं यहाँ पर आया हूँ। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ के रहने वाले घनश्याम भाई सदर मोहतरम से बात की है कि कल रात में ये बिल्डिंग गिर गई मुझे अंदर का मलबा पूरा गिर गया और मुझे सदर मोहतरम में फौरी कह दिए कि आप जाइए और जाकर मैना करके बलिया के अहदेदारों से बात करूँ मुझे और मैं और हमारे कॉरपोरेटर जनाब जफर खान साहब यहाँ पर आए आकर पूरा मुआयना किए यहाँ का और यहाँ पर जो रात में गिरा ऊपर से छत अंदर कोई भी लोगा नहीं थे, अगर लोगा रहते तो उनकी जान को भी धोखा था। आज ये दौरा करने का मकसद ये है हमेशा मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदू मुस्लिम हर भाई का काम करती है और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरश रसूलुद्दीन अवैसी साहब ऐसे सेकुलर कायद हैं हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करते हैं। आज यहाँ से घनश्याम भाई सदर मोहतरम को फ़ोन किए और सदर मोहतरम पार्लियामेंट का सेशन कल से है दिल्ली में है फिर भी मुझे हिदायत दिए कि आप फौरी जाइए जाकर वहाँ पर देख कर रिपोर्ट दीजिए बोले। अलहमदिल्ला मैं यहाँ पर आया सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कॉरपोरेटर जफर खान साहब और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जाएगी। और एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इंसानों के लिए काम करती है, ये नहीं देखती कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाइयों का काम करती है। यहाँ पर भी जो हादसा हुआ है ये हादसे की पूरी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जाएगी। अरे यही टाइम पास के लिए जाओ।